Future Doctors of India, welcome to the Mantra family. I'm Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. हमने लास्ट लेक्चर में हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के को स्टार्ट किया था कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एग्जैक्टली कुछ ऑर्गनल्स जो सेल ऑर्गनल्स हैं एक कोऑर्डिनेशन में एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. तो एग्जैक्टली एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में जो जो सेल ऑर्गनल्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है जिस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, जिसका बेसिकली फंक्शन होता है डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स को बनाना, फिर उसको एज पर रिक्वायरमेंट मॉडिफाइड करना, मॉडिफिकेशन के बाद में उनकी पैकेजिंग करना, फिर उनको ट्रांसपोर्ट कर देना या तो फिर सेल के बाहर या फिर सेल के अंदर. ओके, जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफ़र करना. देखिए, एंजाइम का फॉर्मेशन हो, चाहे प्रोटीन की सेकेंडरी या टर्शियरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो, वो सब यहाँ पर किया जाता है, इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में किया जाता है. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बेसिकली हमने डिफरेंट सारे ऑर्गनल्स के बारे में देखा था कि कुछ बहुत सारे सारे ऑर्गनल्स इसके अंदर आते हैं, जैसे कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज हैं, ओके, जिसको हम गोल्गी एपरेटस भी बोलते हैं. इवन इसके अलावा से लाइसोसोम्स आते हैं, वैक्यूल्स आते हैं. ये ऑर्गनल्स फंक्शन में काम करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं. ओके, फिलहाल ये ऑर्गनल्स डिपेंडेंट ऑर्गनल्स होते हैं बिकॉज न्यूक्लियस इनको इन्फॉर्मेशन देता है कि लिपिड बनाओ, प्रोटीन बनाओ, वगैरह वगैरह बनाओ. ठीक है, वगैरह वगैरह नहीं बनाता न्यूक्लियस, ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देता. ठीक है, वो लॉजिकल काम करते हैं अपने, हम जैसे हम जनरली ह्यूमंस में होते हैं वगैरह वगैरह काम भी कर लेते हैं, बट न्यूक्लियस वगैरह वगैरह जैसा वाला काम नहीं करते, ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, so, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो नेटवर्क होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक होता है. सेल मेम्ब्रेन तक इसलिए होता है बिकॉज अगर उन्हें कभी किसी एक्जोसाइटोसिस के थ्रू किसी भी लाइक वेस्ट मटेरियल को बाहर भेजना हो तो सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेज सकें. न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से इसलिए अटैच्ड होता है बिकॉज उसको की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो न्यूक्लियस से आती है. सो दैट्स व्हाई पूरे सेल का एंडोस्केल्टन ये बना लेते हैं. सो आज के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ही, लेकिन इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आज हम नेक्स्ट सेल ऑर्गनल्स के बारे में जानेंगे, द गॉल्गी एपरेटस के बारे में. ओके, देखिए, जैसे ये आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसाइकल्स बनाते हैं, एंड ये जो वेसाइकल्स होते हैं बेसिकली ट्रांजिशनल वेसाइकल्स होते हैं, मतलब ये अनस्टेबल वेसाइकल है जिनका मॉडिफिकेशन बाकी है. अब गोल्गी एपरेटस के जब पास में ये जब जाते हैं ट्रांजिशनल वेसाइकल्स, तो ये उसको मॉडिफाइड कर देते हैं. क्लियर, ये मॉडिफिकेशन उनका कर देते हैं. अब क्या होता है कि जैसे ये जो सिक्रेटरी वेसाइकल्स होते हैं ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं. ठीक है, ये मॉडिफाइड वेसाइकल्स हैं. अब ये जो सिक्रेटेड किए गए हैं गोल्गी एपरेटस के थ्रू, ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद में एक वैक्यूल बनाते हैं. ठीक है, ये देखिए वैक्यूल बन गया. अब ये वैक्यूल को हम एज पर रिक्वायरमेंट सेल मेम्ब्रेन से या तो बाहर भेजना चाहें तो हम उनको बाहर भेज सकते हैं. सो आज का जो हमारा बेसिक फंक्शन है वो है हमारा गोल्गी एपरेटस के बारे में डिस्कस करना. ओके, इट मीन्स ईआर ने तो रो प्रोटीन बना दिया है जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, लेकिन रो प्रोटीन को हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते. ठीक है, जैसे मार्केट में हम मेडिसिन जो आती हैं वो एग्जैक्टली उनको कमर्शलाइज किया जाता है, उनको पहले मॉडिफाइड किया जाता है जिससे कि वो आपके टारगेट ऑर्गन के ऊपर काम कर सकें, उनको मॉडिफाइड किया जाता है. तो मॉडिफिकेशन के बाद में वो फंक्शनली अपना रोल प्ले कर पाती हैं. सो बेसिकली ईआर तो बेसिकली एक रो मटेरियल बना देता है. अब रो मटेरियल के बाद में उसको मॉडिफाइड करते हैं जैसी रिक्वायरमेंट हो. तो अब मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो मशीनरी है ये गोल्गी एपरेटस है. देखिए, ये सारे मशीन्स हैं, मैकेनिकल मशीन्स होती है ना, ये सारी मशीन्स हैं, बट ये भगवान की बनाई हुई नेचुरल मशीन्स हैं जिनका काम अद्भुत है. लाइक आप उनको इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितने बेहतर तरीके से काम करती हैं. ओके, इनको सिर्फ बेहतर काम तरीके से काम कराने के लिए, देखिए एक सिंपल सा पॉइंट है बेटा, और ये सबके लिए है. आप चाहते हो कि हमारी ये सब मशीनरी अच्छे से काम करे तो ये सब अच्छे से काम करेंगे, लेकिन अगर ये किसी भी रीजन से अपना काम अच्छे से नहीं कर पाते तो बॉडी के अंदर पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कोई भी डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं. ओके, हम जनरली जो डिजीज़ होती है किसी भी ह्यूमंस को, ओके, एंड वो कभी कभी डिजीज़ इतनी ज़्यादा हार्मफुल हो जाती है कि वो डेथ तक ही साथ देती है उसका. तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी मशीनरी बहुत अच्छे से काम करे. तो ये जो मशीनरी हमारे अच्छे से काम करे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको रिक्वायरमेंट है जो एनर्जी की, जो बेसिक एनर्जी की ज़रूरत है, वो एनर्जी इनको टाइम टू टाइम पे मिलती रहे, इनको प्रॉपर अच्छे से रॉ मटेरियल मिलता रहे जिससे ये अपना काम कर सके. ओके, सो इसलिए ये मशीनरी जो भगवान की बनाई हुई मशीनरी है इनके साथ छेड़छाड़ ना करें, इनको जैसी ज़रूरत है इनको देते रहें, क्योंकि जो मशीन जो हमने बनाई है
उन मशीन्स को तो हम तेल डाल डाल के उसको हम काम करा देते हैं, जुगाड़ से काम चला लेते हैं, बट इनमें जुगाड़ नहीं चलता। ये भगवान की बनाई हुई मशीन से इनमें कोई जुगाड़ नहीं चलता, तो इसमें चलता है सिर्फ लॉजिक। ओके, गोल्गी अपरेटस बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, कैमिलियो गोल्गी। ये बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले जो आउल है उसकी क्या कहते हैं नर्व सेल्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया था न्यूक्लियस के पास से। ठीक है, न्यूक्लियस के पास से इसको एक्सट्रैक्ट किया था, और इसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली स्टेनिंग इन्होंने यूज़ की थी। बिकॉज गोल्गी एपरेटस का इशू क्या होता है, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते, या फिर कोई भी जो नॉर्मल माइक्रोस्कोप है उससे आप देख नहीं सकते। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने शायद अभी नहीं देखा होगा, बिकॉज आपकी जो लैब में है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं है कि कल आप स्कूल जाओ और वहाँ जाके बायोलॉजी के सेक्शन लैब में कोई भी आपने कोई भी लाइक प्लांट सेल ले लिया आपने और उसमें से आप ट्राई कर रहे हो कि गोल्गी एपरेटस क्यों नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन याद रखिएगा बेटा, वो सिर्फ लाइट या ब्राइट माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, उससे आपको वो गोल्गी एपरेटस नहीं दिखाई देगा। उसके लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, जो कि सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट होता है, जो सोफिस्टिकेटेड लैब्स के अंदर होता है। क्लियर। एंड बाद में इसका नाम गोल्गी बॉडी दिया गया उनके डिस्कवरी के बाद में। एक्चुअली ही यूज अ सिल्वर नाइट्रेट एज ए स्टेनिंग एजेंट। ओके, मैंने आपको बताया था कि गोल्गी एपरेटस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से नहीं देख सकते, बिकॉज क्या होता है कि गोल्गी एपरेटस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और साइटोप्लाज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों इक्वल होते हैं। अब इक्वल होने की वजह से जब उनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जब वो डिजॉल्व रहते हैं, मतलब आप उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, अब दोनों एक डिजॉल्व हैं तो आपको देख नहीं पाते। अगर थोड़ा सा भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होगा, जब भी माइक्रोस्कोप उसका डिफरेंशिएशन कर पाएगा। ओके, तो दैट्स वाई इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखना टफ होता है। इसकी वजह से इसको इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिल्वर नाइट्रेट, एक स्टेनिंग एजेंट होता है जो बेसिकली गोल्गी बॉडीज को स्टेन करने में हेल्प करता है। ओके, गोल्गी एपरेटस में जो फंक्शनल पार्ट होता है वो एक सिस्टर्न ही होती है, जैसे कि ईआर में भी थी एक सिस्टर्न ही जो बेसिकली आपके रो प्रोटीन को बनाने में हेल्प करती है। यहाँ पे क्या होता है, आपका जो फंक्शनल पार्ट होता है वो बेसिकली सिस्टर्न ही होती है। ये एक फ्लैट होती है, ठीक है, चपटी और डिश शेप की हो सकती है। डिस्क मतलब होता है ना, डिस्क आपकी जो होती है डिस्क शेप की हो सकती है, और सैक मतलब एक तरह की सैक्स होते हैं, घट मतलब लाइक कह सकते हो ना आप, ये एक तरह के सैक मतलब कट्टों में होती है, एक तरह के सैक्स में होती है। ओके, जिनका जो बेसिकली साइज होता है 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर में। मैं आपको भी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, डोंट वरी। ये पॉइंट बेसिकली आपके एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ओके, दे आर स्टैक पैरेलल टू ईच अदर, जनरली एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो सिस्टर्नी का जो नंबर होता है वेरी करता है सेल टू सेल। ओके, किसी सेल्स के अंदर सिस्टर्नी का नंबर ज़्यादा हो सकता है, किसी में कम हो सकता है, एंड ये डिपेंड करता है उस पर प्रोवाइडेड फंक्शंस के पॉइंट्स में, क्योंकि इनका काम होता है रॉ मटेरियल को मॉडिफाइड करना। सो जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत या लिपिड की ज़रूरत ज़्यादा होती है, क्लियर, तो वहाँ पे इनका जो फंक्शन होता है वो ज़्यादा काम होता है, तो वहाँ पे ज़्यादा सिस्टर्नी आपको पाई जाएंगी। क्लियर। ओके, क्या होता है गोल्गी सिस्टर्नी बेसिकली क्या होता है, ये देखिए, अब मैं सिंपल समझाता हूँ आपको। ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली आपके सिस्टर्नी है, एक गोल्गी ऑपरेटर्स की एक सिस्टर्नी है। ओके, ये जो सिस्टर्नी होती है अनब्रांच्ड होती है, इनके अंदर ब्रांचेज नहीं होती हैं, ये बेसिकली इस तरीके से थोड़ी सी कर्व में होती है, ठीक है, थोड़ी सी कर्व की तरफ होती है, कर्व। ओके, और इनके बीच का जो ये जैसे देखिए ये बीच का खाली स्पेस दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं ल्यूमन। ओके, इनके अंदर बेसिकली कोई एक लिक्विड फिल होता है। ओके, हाँ, ये एक सिस्टर्नी हो गई। अभी आप फिलहाल यहां मत देखिएगा, ठीक है, यहां मत देखिए। अब देखिए, एक सिस्टर्नी हो गई, अब ये देखिए दूसरी सिस्टर्नी हो गई, अब ये देखिए तीसरी सिस्टर्नी हो गई, अब ये देखिए चौथी सिस्टर्नी हो गई। तो ये सारी सिस्टर्नी बेसिकली पैरेलल स्टैक के मतलब स्टैक्ड है, पूरा एक गट्ठा है पूरा सिस्टर्नी इसका, जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्लियर। अब देखिए क्या है जो मैंने आपको जो टैग किए हुए वहां पे क्या होता है कि बेसिकली मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। जैसे यहां पे क्या होता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जैसे ही आपका प्रोटीन आता है, तो यहां से जैसे कि ये प्रोटीन आ रहा है यहाँ पे, तो प्रोटीन जैसे आता है वैसे प्रोटीन के जैसे प्रोटीन सेक्रेटेड होता है वैसे ही इसे गोल्गी एपरेटस का फॉर्मेशन होता है। मैंने आपको बताया था ईआर का एक फंक्शन होता है गोल्गी एपरेटस को बनाना। क्लियर। तो जैसे ही प्रोटीन आया, तो ये जो साइड होती है, ये साइड होती है फॉर्मिंग फेज, मतलब बनाने वाली फेज, या कह सकते हो सिस फेज, ठीक
या फिर कह सकता कॉन्वेक्स साइड। कॉन्वेक्स और कॉनकेव आपको आइडिया होगा, लेंस में आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, ओके ऑप्टिकल फिजिक्स में। ठीक है, ये आपका ER है, देखिए ये आपका है बेसिकली ER, तो ये है आपका ER, तो ER से प्रोटीन बना, ये प्रोटीन बन गया रो प्रोटीन। अब ये रो प्रोटीन जाता है टुवर्ड्स द गोल्गी सिस्टर्निस। सो जो बिल्कुल जो देखिए ये आपका, और यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे आपकी होती है, यहां पे होती है आपकी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और इस न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है ER। ठीक है, जिसको इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस होता है, ये इंफॉर्मेशन देता है ER को। ER रो प्रोटीन बनाती है और रो प्रोटीन जाता है और गोल्गी एपरेटस के पास में जो मॉडिफिकेशन के लिए, क्लियर। तो जो साइड आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की तरफ होता है, जो मतलब बैक साइड आपका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की तरफ होता है, फॉर्मिंग मतलब बनना स्टार्ट हो गया है, जिसे हम कॉन्वेक्स फेस भी कहते हैं, सिस फेस भी कहते हैं, क्लियर। एंड धीरे 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 जिनका मैच्योरिंग फेज आ जाता है, मतलब आपका आपका रो प्रोटीन जब मॉडिफाइड हो जाता है तो उसे बोलते हैं मैच्योरिंग फेज, ट्रांस फेज या कॉनकेव साइड, ओके। और यहाँ पे होती है आपकी, यहाँ बेसिकली होती है आपकी सेल मैम्ब्रेन। सो बेसिकली ये आपका जो मैच्योरिंग फेज होता है, ये होता है टुवर्ड्स द सेल मैम्ब्रेन। ठीक है, ये होता है आपका सेल मैम्ब्रेन, ये होता है न्यूक्लियस। तो बेसिकली आपका जो कॉन्वेक्स साइड होता है, ये न्यूक्लियस की साइड है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की तरफ है, और वो कॉन्केव साइड है, वो सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। इज इट क्लियर? तो जैसे जैसे रॉ मटेरियल का मॉडिफिकेशन होता है स्लोली एंड स्लोली, वहां पे आपका धीरे 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 मैच्योरिंग फेज बनना स्टार्ट हो जाता है। तो आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जैसे आपका रॉ मटेरियल बन गया, तो रॉ मटेरियल एग्जैक्टली यहाँ पे इनके ऐसे वेसाइकल्स में अटैच्ड हो, ऐसे वेसाइकल्स में भरा हुआ होता है। तो आफ्टर सम टाइम ये वेसाइकल्स यहाँ से पिंच्ड आउट हो जाती है, मतलब पिंच पिंच मतलब कट जाती हैं, और कट जाती है, कटने के बाद में फिर इसकी पैकेजिंग करके इसको भाई भेज देते हैं जैसी जरूरत होती है। क्लियर हो गया? तो यही वही लिखा हुआ है कि गोल्गी सिस्टर्नी आर द कॉन्सेंट्रेटली अरेंज नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्सिस और द फॉर्मिंग फेस एंड कॉनकेव ट्रांस और द मैच्योरिंग फेस। ओके, क्लियर समझ में आ गया? ओके, एंड द सिस एंड द ट्रांस फेस ऑफ द ऑर्गनस आर एंटायरली डिफरेंट बट द इंटरकनेक्टेड। देखिए गोल्गी सिस्टर्नी में जो कॉन्सेंट्रली आपकी अरेंज होती है, मतलब ये सेंटर की तरफ, मतलब क्या होता है आपका पेरीफेरी टू सेंटर की तरफ अरेंज होती है। ठीक है, पेरीफेरी से बनना स्टार्ट होती है और सेंटर की तरफ ये जाती है, और ये न्यूक्लियस के पास में ही होती है, जिसमें आपको दो फेस दिखाई देंगी, मैच्योरिंग फेस और आपका ट्रांसफॉर्मिंग फेस दिखाई देगा आपको। क्लियर? एंड ये दोनों अलग अलग हैं, मतलब ये एंटायरली डिफरेंट होती है। देखिए ये अगर आप इस साइड देखेंगे तो ये आपका फॉर्मिंग फेज है, और इस साइड अगर आप देखेंगे ये आपका मैच्योरिंग फेज है। दोनों एंटायरली डिफरेंट है बट एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? बस सिंपल सा पॉइंट है, ऐसा कोई डिफिकल्ट पॉइंट नहीं है आपका। ओके, गोल्गी एपरेटस में से मैंने बताया टू साइड है, फॉर्मिंग फेज है। फॉर्मिंग फेज ऐसी जगह जहां पे गोल्गी एपरेटस अपने आप को बनाना स्टार्ट करता है। तो बेसिकली ईआर की वेसाइकल्स होती हैं, ये फ्लैट हो जाती हैं और सिस्टर्नी बनाती हैं। जैसे क्या हो गया, सिंपल सा पॉइंट है, सिंपल सा पॉइंट ये है कि जैसे ही आपकी यहाँ से ये वेसाइकल्स आ गई, ये ईआर था यहाँ पे, ओके ये ईआर ने यहाँ वेसाइकल्स बनाया, अब ये वेसाइकल्स गई और ये वेसाइकल्स बन के फ्लैट हो गई। ठीक है, ये वेसाइकल्स गई और वेसाइकल जाके फ्लैट हो गए और ये बन गई गोल्गी सिस्टर्नी। तो यही बेसिकली फॉर्मिंग फेज है। ओके, और या तो अगर आप दूसरी साइड आते हैं, मैच्योरिंग फेज जहां पे गोल्गी एपरेटस पूरा मैच्योर हो चुका होता है, और ये होता है सेल मेम्ब्रेन की तरफ। सिंपल सा पॉइंट है बेटा, जैसे कि आपके जैसे ईआर है, ईआर ने यहाँ पे वेसाइकल को रखा, वेसाइकल बाहर आई और ये फ्लैट हो गई, और फ्लैट होके इसने एक सिस्टर्नी बना ली गोल्गी एपरेटस की। सेम ऑन द मैच्योरिंग फेज जहाँ पे आपकी सिस्टर जो बेसिकली आपका सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है। गोल्गी एपरेटस में अगर आप देखेंगे थ्री कंपोनेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होता है। पहला होता है गोल्गी सिस्टर्नी, ओके जो हमने फंक्शन यूनिट बताई, फिर होता है गोल्गी वेसाइकल्स, और तीसरा होता है गोल्गी वैक्यूल्स। देखिए एग्जैक्टली है क्या, गोल्गी सिस्टर्नी मैंने पहले बताया कि जहाँ पे ये फंक्शन यूनिट होती है, और जहाँ पे जहाँ ज़्यादा फंक्शन होता है वहाँ पे सिस्टर्नी का नंबर ज़्यादा पाया जाता है। ओके, ये फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं एंड ये गोल्गी ग्राउंड सब्सटेंसेस से फिल होते हैं। क्लियर? एंड द एपरेटस में जनरली 6 to 30 सिस्टर्नी पाई जाती है। ओके,
फंक्शन वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. ओके, गोल्गी वेसाइकल्स क्या होते हैं बेसिकली? सिस्टर्नी जो होती है, सिस्टर्नी के, मैंने बताया था ना सिस्टर्नी है, उस सिस्टर्नी के सिरे से, उसके टिप से वेसाइकल अराइज होती है. मतलब वहाँ का सिरा जो होता है फूल जाता है, और फूलने के बाद में वहाँ से वो पार्ट कट होके नीचे आ जाता है, ठीक है, जो कि उसके जो प्रिपेयर्ड केमिकल से फिल होता है. आफ्टर द मैचुरेशन जो पिंच हो के सिस्टर्नी से पिंच होके नीचे आ जाता है. अभी आपको दिखाऊंगा वो भी एनिमेशन से मैं. क्लियर? गॉल्गी वैक्यूल्स क्या होता है कि ऐसी बहुत सारी वेसाइकल्स आपस में जुड़ के गॉल्गी वैक्यूल्स बनती हैं. या तो उसको यूटिलाइज किया जाता है या फिर सेल मेम्ब्रेन से उसको बाहर निकाल दिया जाता है. क्लियर? देखिए ये बेसिकली क्या है कि अगर आप देखेंगे तो ये वो वेसाइकल है जो ट्रांजिशनल वेसाइकल है, जिसने ईआर को, जिस जो ईआर से रिलीज हो चुकी है, जिसके अंदर रॉ प्रोटीन फिल है. अब ये क्या है सिस्टर्नी के पास में. अब ये सिस्टर्नी में आप देखेंगे तो ये सारे सिस्टर्नी कॉन्सेंट्रिकली अरेंज्ड है, ठीक है. ये जो साइड है ये वो साइड है आपका, हम कह सकते हैं जिसको लाइक द बिगनिंग फेज कह सकते हो आप, या फिर फॉर्मिंग फेज कह सकते हैं. और ये जो फेज है धीरे 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 की तरफ मैच्योरेशन की तरफ आ गया. अब इसके जब कॉर्नर देखेंगे, ये कॉर्नर थोड़े से फूले हुए हैं. टिप होता क्या है, इसे ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये बेसिकली वो टिप है जिसमें केमिकल्स भरा हुआ है जो सिस्टर्नी ने बनाया है, जो मॉडिफिकेशन जिसके अंदर है. आफ्टर सम टाइम ये जो पार्ट होता है वो अलग हो जाता है, और अलग होने के बावजूद यहाँ पे जो वेसाइकल्स होती हैं आपस में कनेक्टेड हो जाती है. देखिए गोल्गी एपरेटस के मैंने आपको तीन पार्ट बताए, एक सिस्टर्नी हो गई, दूसरा सेक्रेटरी वेसाइकल्स हो गई, और फिर तीसरा होता है वैक्यूल्स, ठीक है. सिस्टर्नी, सिस्टर्नी का जो जो टॉप कॉर्नर होता है, जो टॉप पॉइंट होता है वो अलग हो गया. अलग होने के बाद सेक्रेटरी वेसाइकल्स अलग हो गई और आपस में कंबाइन हो गई. कंबाइन होने के बाद में इन्होंने वैक्यूल बना लिया, बड़ा स्ट्रक्चर बना लिया. और वैक्यूल बनाने के बाद में फिर इसको एज पर द रिक्वायरमेंट या तो उसको सेल मेम्ब्रेन से बाहर भेज दिया जाता है या फिर उसको यूज किया जाता है. देखिए अगर आप उसको सेल मेम्ब्रेन से बाहर सेंड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सो ये बेसिकली कहलाता है एक्सोसाइटोटिस प्रोसेस, ठीक है, हमने पढ़ा भी था. ओके, सो आई थिंक इज इट क्लियर. तो गॉल्गी एपरेटस में आपके तीन पार्ट हो गए, एक तो हो गया सिस्टर्नी, दूसरा हो गया वेसाइकल्स, और तीसरा हो गया वैक्यूल्स. इज इट क्लियर? ओके, देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो प्रिपरेशन करते वक्त हमें बहुत कुछ रीड करना होता है और बहुत कुछ आपको माइंड में रखना होता है. एक सिंपल सा पॉइंट है बेटा, हमेशा याद रखिएगा, जब किसी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करते हैं, मैं आपको फिर अगेन बताता हूँ, प्रिपरेशन करते हैं तो नो डाउट आपके पास नॉलेज आती है, बहुत नॉलेज होती है, बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उस नॉलेज का सही जगह पर इस्तेमाल करना. आपके पास अभी नॉलेज है, लेकिन जब अगर एग्जाम में वो नॉलेज यूज होती है, जब ही आप नेट की सिलेक्शन लिस्ट में आप आ सकते हैं, ठीक है. मैंने वीडियो भी दिया है, मैंने बताया भी है कि प्रिपेयर करने में जो एग्ज़ाम एक्चुअली जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, या जो अपेयर होते हैं, उसमें 60% स्ट्रेंथ ऐसी होती है जो रियल में हार्ड वर्क करती है, लेकिन फिर भी उसमें से केवल 8 से 9% बच्चे ही सेलेक्ट हो पाते हैं. तो सोचिए 60% में से 8 से 9%, या वो भी ज़्यादा ही आई थिंक 6 to 7% भी केवल बच्चे सेलेक्ट हो पा रहे हैं. मतलब 50 to 54% बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट नहीं हो पाए. मतलब ऐसा नहीं था उनको नॉलेज नहीं थी, बट वो उस नॉलेज को आपको एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है अपने आप को. ओके, एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है. आपके पास नॉलेज है, गुड, जो वो नॉलेज को शो करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है आपका एग्जाम, जब भी आप नेट के सिलेक्शन क्राइटेरिया में आ सकते हैं. ओके, अदरवाइज आपके पास अदरवाइज हु इज गोइंग टू बी आस्क, ठीक है, कौन पूछता है कि किसके पास कितना नॉलेज है. अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, ओके, अगर आपका सिलेक्शन है देन यू आर वेलकम, अदरवाइज फिर एक्सक्यूज के लिए कोई स्पेस नहीं होता. आप कितना भी उनको बोलिए कि हमारे पास नॉलेज थी, ये हुआ वो, कोई नहीं पूछता. सिर्फ पूछते हैं अगर आपका सिलेक्शन हुआ है देन यू आर इन, अदरवाइज यू आर आउट. आई नो लाइक ये डिप्लोमेटिक है, ये लाइक वर्ड एग्जैक्टली यूज नहीं करना चाहिए, बट ये प्रैक्टिकल है, ठीक है. हम प्रिंसिपली अगर बात करें तो ये शायद लाइन ठीक नहीं होती कि जो बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ उसको साइट कर देना और जो बच्चा सेलेक्ट हुआ उसको इन कर देना. आई नो लाइक इन ये पॉइंट सही नहीं है, मैं समझता हूँ और इस चीज़ से आपसे पूरी तरह से वाकिफ भी हूँ कि ये लाइन सही नहीं है, बट क्या कर सकते हैं. प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो किसी ना किसी पॉइंट पे तो हमें सेग्रीगेशन करना ही पड़ता है. किसी ना किसी पॉइंट में तो हर जगह सेग्रीगेशन होता ही है. उस वक्त इमोशंस काम नहीं आते, उस वक्त काम आता है तो आपके बेसिक नॉलेज. सो वही मेरा पॉइंट है आपसे अगेन.
आप जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है, ठीक है। अभी ना ध्यान रखिएगा, ना आपको भी साइंटिस्ट बनना है, ठीक है, ना आपको डल रहना है, आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम में देखिए क्या आता है, और अगर आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो आपके प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्लियर। मैं अभी बहुत सारे कुछ है आपसे डिस्कस करने के लिए, मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अगेन द फंक्शन ऑफ द गोल्गी अपैरेटस। ये इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहला फंक्शन होता है पैकेजिंग एंड सिक्रेशन ऑफ द जनरल मेटाबोलाइट्स। मेटाबोलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, ये मेटाबॉलिज्म का, ये बेसिकली जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे कि बहुत सारे मेटाबोलाइट्स होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो गोल्गी अपैरेटस बेसिकली क्या कहता है, जो मेनली फंक्शन परफॉर्म करता है, ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, पैकेजिंग करता है मटेरियल की और उसको फिर इंट्रा सेलुलर टारगेट पे या फिर सेल के बाहर उसको सिक्रेट कर देता है। देखिए गॉल्गी एपरेटस क्या करता है, जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं उनकी पैकेजिंग करके इनको ट्रांसपोर्ट करता है, डिलीवर करता है, जैसे आपके ये अमेजोन का कॉरियर बॉय है। ओके सो फिर या तो वो इंट्रा सेलुलरी टारगेट, मतलब इंट्रा सेलुलर मतलब सेलुलर, इंट्रा सेलुलर मतलब याद रखिएगा, इंट्रा सेलुलर मतलब कि सेल से अंदर जो ऑर्गन्स को जरूरत है या तो वहां तक या फिर सेल के बाहर भेजता है। ओके जो मटेरियल्स होते हैं बेसिकली उनको वेसाइकल के फॉर्म में पैकेज किया जाता है फ्रॉम द ईआर। इट फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गॉल्गी एपरेटस। ओके इट वेसाइकल फ्रॉम द ईआर, वेसाइकल्स के फॉर्म में इन मटेरियल को पैकेज किया जाता है और विद द सिस फेस ऑफ द गॉल्गी एपरेटस। ओके फिर बाद में वेसाइकल्स के फॉर्म में प्रिपेयर करने के बाद में फिर उसको गोल्गी एपरेटस के सिस फेस के साथ में उसको फ्यूज कर दिया जाता है एंड फिर वो मैच्योरिंग फेस की तरफ मूव करता है। समझ में आ गया। जैसे ईआर ने जो अपना वेसाइकल बनाया उस वेसाइकल को उसने फ्लैट कर दिया और उसको सिस फेस के गोल्गी अपैरेटस का सिस फेस बन गया। फिर धीरे 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 वो सिस फेस से मूव करते तरफ जाता है, ट्रांस फेस मतलब आपके मैच्योरिंग फेस की तरफ। ओके मतलब इट मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्गी अपैरेटस रिमेन इन द क्लोज एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही एक रीजन है कि क्यों गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी एपरेटस क्यों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहता है। ओके ए नंबर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय द राइबोसोम ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर मॉडिफाइड इन द सिस्टर्नी ऑफ द गोल्गी एपरेटस बिफोर द रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांसफेज। देखिए नंबर ऑफ द प्रोटीन जो राइबोसोम के ऊपर बनाए जाते हैं, राइबोसोम पे बनाए जाते हैं, वो सिस्टर्नी, गोल्गी के सिस्टर्नी में मॉडिफाइड किए जाते हैं बिफोर टू रिलीजिंग फ्रॉम द ट्रांस फेज। मतलब ट्रांस फेज क्या होता है, एक आउटिंग फेज है, मतलब वहां से बाहर भेजा जाता है, तो ट्रांस फेज आने से पहले ही रॉ मटेरियल को मॉडिफाइड कर दिया जाता है। क्लियर। नाउ द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है गोल्गी अपैरेटस का, कि प्रोटीन को मॉडिफाइड करना। देखिए प्रोटीन को मॉडिफाइड करने का मतलब है उसको प्रोटीन को उसको स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको फंक्शंस में कन्वर्ट कर देना। देखिए दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और फंक्शनल प्रोटीन है, ठीक है। तो रॉ प्रोटीन को उसके अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर देना, जैसे कि प्राइमरी प्रोटीन है उसको सेकेंडरी प्रोटीन में स्टेबलाइज करना, टर्शरी प्रोटीन में कन्वर्ट करना, क्वार्टनरी प्रोटीन में कन्वर्ट करना, इस प्रोटीन को एंजाइम्स में कन्वर्ट कर देना जिससे कि मेटाबॉलिज्म में हेल्प मिले। सो बेसिकली गोल्गी अपैरेटस क्या करता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाता है, ये ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन एग्जैक्टली होते क्या है, देखिए ग्लाइकोप्रोटीन एंड द ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको इसमें से अगर आप देखें तो ये बेसिकली ऑलिगोसेक्राइड होते हैं जो 3 to 9 मोनोमर से, शुगर मोनोमर से बना होता है। प्रोटीन दैट वी नो आरईआर से बनता है। हेयर ग्लाइको मतलब ये शुगर होता है और लिपिड होता है बेसिकली आपका बायोमोलिक्यूल। यहाँ पे क्या होता है कि ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन मॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है, ग्लाइको प्रोटीन बनाता है, और यहाँ पे ग्लाइको मतलब प्रोटीन से अटैच्ड होता है, ग्लाइको लिपिड बनाता है। क्लियर। ये बेसिकली ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइको प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। हमने सेल मेम्ब्रेन में भी देखे थे कि मेम्ब्रेन से कि बाहर की तरफ लटके हुए होते हैं जो बेसिकली सेल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं, सेल को मार्कर की तरफ वर्क करते हैं और जो इंफॉर्मेशन मिलती है ये इंफॉर्मेशन लेके न्यूक्लियस को देते हैं। क्लियर। तो ये बेसिकली हमने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा था। तो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन ये ग्लाइकोलिपिड सब यहीं बनते हैं। इसको बनाने के लिए एक एंजाइम होता है ग्लाइकोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये देखिए एंजाइम, ये बेसिकली ये इंफॉर्मेशन फॉर्मेशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड का। और जब ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन से आपस में कनेक्ट होता है तो इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है और एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। क्लियर। जब ओलिगोसैकेराइड लिपिड मॉलिक्यूल से अटैच्ड होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन।
लाइक बेसिकली ग्लाइकोसाइडेशन बोलते हैं, ये जो बेसिकली लिखा हुआ है द ओलिगोसैक्राइड इज अटैच विद द लिपिड मॉलिक्यूल द लिपिड इज फॉर्म एग्जैक्टली। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जो आपस में कनेक्ट होता है इसे इसे बनता है ग्लाइको, मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ, ओके। सो जब ओलिगोसैक्राइड लिपिड मॉलिक्यूल के साथ में अटैच्ड होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड, क्लियर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन, क्लियर। ऑन द अनदर साइड, ऑन द अनदर साइड जब ओलिगोसैक्राइड प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में अटैच्ड होता है, क्लियर, प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ में अटैच्ड होता है देन वो बनाता है आपका, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोबारा से, ग्लाइको प्रोटीन, ठीक है, ये बनाता है ग्लाइको प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ये दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ग्लाइकोसाइडेशन एंड द ग्लाइकोसाइलेशन, और बहुत बार ये नीट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये बहुत बार नीट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं इनके डिफरेंट वर्ड्स की, ग्लाइकोसाइडेशन क्या होता है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ इनको माइंड में रखिएगा, ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन की जो मैकेनिज्म है उनको माइंड में रखिएगा, ठीक है, और कुछ नहीं है ऐसा इंपॉर्टेंट। अभी हम वैसे भी इतना मैंने डिटेल में नहीं बताया, लेटर ऑन मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, क्लियर। सो ये था बेसिकली द फंक्शंस, इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, इसके अलावा अदर फंक्शंस भी होते हैं, सेल वॉल का बनाना, सेल वॉल के लिए जो रिक्वायर्ड जो मटेरियल होता है लाइक सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, पेक्टिन, ये सब पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, पॉलीसेक्राइड मतलब ग्लूकोज के ही ये 10 से ज़्यादा मोनोमर्स जब आपस में अटैच होते हैं उससे आपका पॉलीसेक्राइड्स बनता है, क्लियर। अब इन पॉलीसेक्राइड्स को बनाने के लिए जो मटेरियल होता है वो बेसिकली गॉल्जी एपरेटस ही बनाती है, ये वेसाइकल्स बनाती है और वो सेल वॉल को देती है, क्लियर। बेसिकली जो वेसाइकल्स होते हैं इनको फ्रेग्मोप्लास्ट बोला जाता है, ये जो गॉल्जी एपरेटस होता है ये बेसिकली अपनी इन सभी पॉलीसेक्राइड्स के वेसाइकल्स बना बना के जहाँ पे सेल वॉल की ज़रूरत होती है वहाँ पे उस वेसाइकल को सैक के फॉर्म में इकट्ठा कर देती है, फिर बाद में धीरे धीरे वो सैक्स आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं और सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लाइसोसोम का फॉर्मेशन, ठीक है, देखिए ईआर से गॉल्गी बॉडी बना और गॉल्गी बॉडी से लाइसोसोम बना, क्लियर, एंड गॉल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो भी लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो देखिए जैसे जरूरत के हिसाब से सब बन रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक से गॉल्गी बॉडी, गॉल्गी बॉडी से लाइसोसोम, ओके। एक्रोसोम फॉर्मेशन, एक्रोसोम फॉर्मेशन मतलब देखिए एक्रोसोम होता है क्या है, बेसिकली एक्रोसोम बेसिकली होता है क्या है, पहले ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको नॉर्मली स्ट्रक्चर बना के दे देता हूँ, ओके। एक्रोसोम कुछ नहीं होता, जैसे एक्चुअली जो स्पर्म होता है ह्यूमन के अंदर जो मेल गैमिट होता है, ओके, जो मेल गैमिट होता है उसके ऊपर एक टिप के ऊपर एक एक्रोसोम होता है, बेसिकली ऐसे स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कुछ ये, ओके, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं, ये एक्रोसोम होता है, ये भी गॉल्गी एपरेटस का बना हुआ होता है, ये कह सकते हो इसमें एग्जैक्टली होता है क्या, सुनिए, एक्रोसोम जो होता है ये गॉल्गी एपरेटस से ही बना होता है, ठीक है, एक्रोसोम हमेशा स्पर्म के टिप के ऊपर पाया जाता है, क्लियर। ये जो जब आपका गोल्गी एपरेटस से एक्रोसोम बनता है फिर बाद में ये लाइसोसोम में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर, ये देखेंगे अब ये लाइसोसोम के अंदर कन्वर्ट हो गया, ये जो है ये लाइसोसोम में कन्वर्ट हो गया, अब ये लाइसोसोम में कन्वर्ट हो गया, अब इस लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो जब आपका स्पर्म एग के साथ में रिएक्ट करना होता है तो एग की जो एक सॉलिड की एक सेल होती है, लेयर होती है, तो वहाँ उसमें अंदर एंट्री करने के लिए उसको पहले वहाँ से रिमूव करना होता है, उसको डिग्रेड करना होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के थ्रू, तो उसमें जो प्रेजेंट लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो उसको बेसिकली लाइक उसको डिग्रेड करते हैं, उसको डिस्टेबलाइज करते हैं, क्लियर। वही एक्रोसोम कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विच ब्रेक डाउन द एग सेल, गोल्गी एपरेटस ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द एग योक, इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द मिलेनी पिगमेंट, मिलेनी पिगमेंट जो ह्यूमन्स का जो पिगमेंट होता है इसे मिलेनी पिगमेंट कहते हैं, एंड इट फॉर्म द वाइटेलिन मैग्रेट, देखिए एग का ये एग योक भी बनाता है, उसके चारों तरफ उसकी जो सेल होती है वो भी बेटा ये एल्गी गोल्गी एपरेटस ही बनाने में हेल्प करता है। ध्यान रखिएगा ये जो तीनों पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये तीनों पॉइंट्स बेसिकली इंपॉर्टेंट है एम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओके, नीट के एग्जाम्स में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम ही होती है।
क्लियर। तो ये है बेसिकली, अगर आप देखेंगे एम्स के एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, द गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल डायरेक्टर, द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल एंड द डायरेक्टर ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल ट्रैफिक। देखिए, ये बेसिकली हमको बोलते हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर, मतलब मॉलिक्यूल्स को जगह बताता है कि तुम्हें यहाँ से यहाँ मूव करना है, ठीक है। एंड द ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, सेल का ट्रैफिक पुलिस है, मतलब ये जैसे कि आपने देखा होगा जब आप सिग्नल के ऊपर होते हैं, जब आप सिग्नल पे आपकी गाड़ी होती है तो वो एक ट्रैफिक पुलिस बताती है कि तुम्हें सीधा जाना है, अब तुम्हारा रास्ता खुल गया है, अब सीधा निकलिए। अब आप जो यहाँ पे होता है उनको डायरेक्शन, जब तक वो डायरेक्शन नहीं देगा वो व्हीकल आगे नहीं जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाई ये उनको, जब तक ये इंफॉर्मेशन, जब तक ये उनको डायरेक्शन नहीं देगा, ये मॉलिक्यूल्स आगे मूव नहीं कर सकते। एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता है GERL, गोल्गी बॉडी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, गोल्गी बॉडी एसोसिएटेड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम, जिसमें कुछ नहीं, ER से एंडो सॉरी ER से गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनता है और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। तो दैट्स ओनली द GER। ओके, सो थैंक यू सो मच अगेन माय डियर। लाइक देखिए, ये अभी हमने एंडोमेम सिस्टम में फिलहाल अभी गोल्गी एपरेटस कवर किया, उसके बाद हम लाइसोसोम कवर करेंगे, ठीक है। लाइसोसोम के बाद में फिर हम नेक्स्ट और टॉपिक है, बहुत सारा है सेल बायोलॉजी को कवर करने के लिए, बहुत सारे टॉपिक अभी बाकी हैं। देखिए, चीज़ें टफ होती हैं लेकिन उसको सिंपल बनाना हमारे हाथ में होता है, हमारे हाथ में होता है, हमारी मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है, उसको हम कैसे फील करते हैं, उसको हम कैसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, बस अपने माइंड को स्टेबल कीजिए और उसकी तरफ बढ़िए। ओके, अपना ट्रैफिक इंस्पेक्टर आप खुद बनिए, किसी दूसरे को मत बनने दीजिए। आप अपने आप को डायरेक्शन दीजिए कि हमें ये करना है। हम, मैं और ऐसे बहुत सारे टीचर्स, अच्छे अच्छे सारे टीचर हो सकते हैं, मैं तो शायद इतना अच्छा टीचर नहीं हूँ, बट बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो इस वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। उनका काम होता है सिर्फ आपको डायरेक्शन देना कि अब आप इस डायरेक्शन को फॉलो करो, अब आप इस डायरेक्शन को फॉलो करो। तो अगर आप उन पर बिलीव करते हैं, और अगर आपको बिलीव करना चाहिए, आप किसी भी अच्छे टीचर पर बिलीव कीजिए, तो वो मान के चलिए कि वो एक आपको सही डायरेक्शन देगा, ठीक है। एंड उनकी जो डायरेक्शन देते हैं उनकी डायरेक्शन में आप चलिए और अपने आप को उस मंजिल पे फील कीजिए कि जिस मंजिल पे आप जाना चाहते हैं, एक दिन आप उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे। एंड अपने आप को एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर कीजिए। बहुत बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, हार्डवर्क करते हैं, लेकिन हार्डली जो सिलेक्शन होता है वो 8 से 9, 8 to 9% बच्चों का होता है। ओके, इसमें से लाइक अगर आप देखें जो टोटल स्टूडेंट एग्जाम देती है, उसमें 60% बच्चे ही एग्जैक्टली एग्जाम के लिए हार्ड वर्क करते हैं और 8 to 9% बच्चे ही एग्जाम के लिए सेलेक्ट हो पाते हैं। अब तो फिर भी मेडिकल में सीट्स बढ़ गए हैं, पहले तो 1 से 2% ही सिर्फ सिलेक्शन क्राइटेरिया था, अब 8 to 9% हो गया बेटा, ठीक है। इट मीन्स थोड़ा बहुत इंक्रीज़ होता जा रहा है स्लोली एंड स्लोली, और ऐसा हमने अभी कुछ टाइम पहले भी पढ़ा कि अभी इंक्रीज़ हो भी रहा है। ओके, धीरे धीरे और भी आगे मेडिकल कॉलेजेस ओपन होने वाले हैं, बट फिर भी उस कैटेगरी में आने के लिए, उस 8 to 9% के कैटेगरी में आने के लिए आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। एक टॉपिक के ऊपर आपको अपनी कमांड इतनी रखनी होगी कि उससे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो गलत नहीं होगा। ओके, सो फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक प्रिपेयर कीजिएगा और अपने जितने भी क्वेश्चन उसको सॉल्व करते रहिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।